उस केस में एक विक्टिम महिला अपने आप इधर आके एक केस को रजिस्टर किया है उसके एक आप उसने बोला है कि बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में जब वो उनका हस्बैंड इनको टॉर्चर कर रहा है तब वो बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन को जाके उधर रिपोर्ट किया कि हमारे हस्बैंड ऐसा हमें टॉर्चर कर रहे हैं। फिर उधर का पुलिस ऑफिसर इसको उस्मानिया हॉस्पिटल को जाने को बोला, एक पुलिस लेडी कांस्टेबल को भेजने के लिए वेट करने को बोला, वो अपने आप उस्मानिया हॉस्पिटल को आ गई। आने के बाद कैजुअल्टी को गया और उधर ट्रीटमेंट लिया। लेने के बाद ये मिडनाइट को वेटिंग हॉल में वेट करती रही, तब एक आदमी आके उसके पास बैठ के बातें करने लगा। उस समय पे एक आदमी एलिजिट टू बी अ वार्ड बॉय वो आके एक क्या काम कर रहे हैं आप बोल के उन दोनों को मार के फर्स्ट फ्लोर में लेकर गया। उधर जाने के बाद ये रेप ऑफेंस किया है। करने के बाद के आके ये वार्ड बॉय आके इधर होम गार्ड है उसको बोला है ऐसा हुआ। फिर होम गार्ड ने वो सुपीरियर ऑफिसर्स को भी नहीं बोला और नहीं ऑफेंस नहीं रिपोर्ट किया और उसने बोला कि मैं देख लेती हूँ तुम चुपचाप चले जाना बोल के बोला। इसी वजह से वो वार्ड बॉय के ऊपर और ये जो होम गार्ड उस जो बोला है कि अल हाशी डाक उसके ऊपर भी ये केस रजिस्टर हुआ है। मैडम जहाँ एफेंस हुआ पर कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह ये वेटिंग हॉल में सीसीटीवी कैमरा नहीं है और जो सीन ऑफ ऑफेंस है उधर भी सीसीटीवी नहीं है। 24 घंटे उस्मानिया हॉस्पिटल जो है ना इतना रश रहता है उसमें अगर किसी का आवाज़ पुकारा मैडम को भी लेडी वो उसने फोर्स किया कि वो बड़ा ऑफिसर है बोला वो वार्ड बॉय ने बोला कि मैं बड़ा ऑफिसर किसी को बोल दिया तो मैं तुम्हारा काम देख लूँगी ऐसा बोला है और उसको इसे फियर में लेकर जाके उधर ऑफेंस